जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैं देवास पहुंचा था और यहाँ चंडी माता का मंदिर है और अभी अभी मैं माता जी का दर्शन करके फिर नीचे की तरफ जा रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे रात को रुक सकते हैं, वॉशरूम पानी का किसी चीज़ का परेशानी नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से उज्जैन जाने का और पहुँच जाऊँगा तो बहुत बढ़िया है। नौ देवी का मंदिर स्थापित किया गया और बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपको नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं पूजा के लिए। तो संडे इसलिए बेच रहे हो? नहीं, आपका नाम क्या है? बहुत प्यारा नाम है, मैं देता हूँ। और ये मेरे कल के जूनियर दोस्त आ गए हैं, तो 10 के 5 पानी पूरी खिला रहे हैं। भूख तो बड़ा लगा है, पानी पूरी खा के आज का शुरुआत करते हैं। बाय बाय भैया, बाय छोटकी, फिर मिलेंगे। माता जी का मंदिर पहाड़ों के ऊपर है और आप लोगों को यदि सीढ़ी चढ़ने में यदि किसी चीज का तकलीफ है तो यहाँ पे रोपवे भी है। रोपवे पर पर्सन 126 रुपीज लेते हैं और सुबह 7:30 से रात 9:30 बजे तक चलता है। और फिर जो हैंडीकैप है उन लोगों को 101 रुपये ऐसे लेते हैं। बहुत बड़ा जगह, बहुत ज़्यादा स्पेस है और आरती करने के लिए तो जरूर आइएगा आप लोग यहाँ पे। दोस्तों, देवस से निकल के मैं बाईपास के रोड आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा चलने के कारण यार हद से ज़्यादा थकावट आ गया शरीर में। ये अपना बैग रख लिया हूँ। अभी यहाँ से मेरे को 22 से 24 किलोमीटर तक जाना है तो वहाँ पे उज्जैन आ जाएगा। हालत बहुत टाइट है यार, बहुत खराब हालत है। सो मच दिलीप जी, आओ यहाँ तक छोड़ने के लिए। अब यहाँ से मैं आराम से निकल सकता हूँ और आप नहीं होते तो उज्जैन तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, दिलीप जी चंद्रशेखर आजाद के गांव में जॉब करते हैं और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तो साथ में घूमेंगे जरूर। थैंक यू जी महाकाल तक पहुंचाने के लिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, बाय। दोस्तों, मैं गेट की तरफ में आ गया हूं। वो भैया मेरे को स्पेशल छोड़ने के लिए यहां पे आए थे, यहीं से एंट्री मिलेगी।
तो फाइनली दोस्तों महाकाल के मंदिर में मैं पहुंच गया हूँ। यहीं से मंदिर जाने का रास्ता है, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, ये जगह आके ऐसा लग रहा है कि हम अपने जो प्राचीन समय था वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये जगह पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कठिनाइयों के साथ फाइनली मैं उज्जैन पहुंच चुका हूं, और ये उज्जैन महाकाल का ये कॉरिडोर है जो नया बना है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं फिर शाम को यहां पे आके जब लाइटिंग वगैरह होगा तो आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अब चलते हैं उधर, महाकाल का भी दर्शन करते हैं। ये आप लोग एलईडी में देख सकते हो महाकाल का पूजा चल रहा है, और यही एक ऑप्शन है यहाँ पे देखने का। सभी लोग यहाँ पे है एलईडी में, बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोग अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट सिस्टम भी है। फिलहाल मैं अभी एक आश्रम खोज रहा हूँ या धर्मशाला जहाँ पे मैं स्टे कर सकूँ। दोस्तों आज महाकाल का मैं दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास बैग वगैरह है और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए पता नहीं चला। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ नरसिंह घाट पे, और यहाँ पे ये आश्रम है तो मैं तो यहीं पे रह लूँगा। लेकिन आश्रम में क्या है, सुबह 4:30 से यहाँ पे हवन वगैरह होना शुरू हो जाता है, तो ये पास में पार्क वगैरह भी है। और क्या है ना कि ये जगह थोड़े सेफ नहीं है रात के वक्त, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, और सुबह को फिर पैकिंग वगैरह कर लेंगे पीछे पार्क में जाके। तो यहाँ पे मैं सो जाऊँगा, यहाँ पे खाट वगैरह सब है, और फिर सुबह को यहीं से मैं नहा के फ्रेश हो के फिर महाकाल का दर्शन करके फिर निकलूँगा इंदौर के लिए। क्योंकि यार यहाँ पे ना होटल वगैरह या फिर बाकी जो आश्रम जो भी है ना, बहुत ज़्यादा चार्जेस है यार, 700-800 रुपये ऐसे ले रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं टेंट लगा के सोता हूँ, और इतने चार्जेस तो दे ही नहीं सकता। तो फिर बहुत मुश्किल से खोजते हुए वही माता जी जो मेरे को हमेशा रास्ता दिखाते हैं, फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो इन्होंने बोला कि टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पंखा वगैरह सब है और व्यवस्था अच्छा है, कम से कम बाथरूम वगैरह है और मैं फ्रेश भी हो सकूँगा। फिर यहीं से मैं रवाना लूँगा सुबह को आराम से फ्रेश वगैरह हो के महाकाल के दर्शन के लिए। तो दोस्तों कल मिलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए।